सॉलिड नॉन कनेक्टिंग कैविटीज, क्या चीज? हम सारी चर्चा सॉलिड नॉन कनेक्टिंग की कर रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात? सॉलिड नॉन कनेक्टिंग में बात करते हैं, लेटर फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, अंदर पोटेंशियल के क्यू बाई 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उससे हमने टनल वाली प्रॉब्लम करी, हमने नॉन कनेक्टिंग कैविटीज के बारे में पढ़ी। आज हम चर्चा करेंगे कंडक्टिंग कैविटीज की। किसकी? कनेक्टिंग कैविटीज पे अपन चर्चा करेंगे। उसमें कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं, सिंपल सिंपल सवाल से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान सुनना बिल्कुल सीक्वेंस में, जैसे मुझे सेट है वैसे आपको सेट होना। कई सवालों के उत्तर आपको उनसे मिलेंगे, है ना। अगर अपन बहुत ध्यान देखें, मान लो कि मैं कंडक्टर लूं, क्या लूं? कंडक्टर, ठीक। उसके अंदर का रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2 है, इस प्रकार कंडक्टिंग मटेरियल है। बोलो क्लियर है? इसका रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। बोलो क्लियर? ऐसा मेरा एक कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। तो कैविटी है अंदर, बोलो है कि नहीं? अब मान लो मैंने इसको, इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया। कितना दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। क्यू चार्ज, जरा आवाज नहीं, क्या दे दिया? क्यू चार्ज अपन ने इसको दे दिया। अब अगर अपन ने इसको, कोई बात नहीं, इस बैच में, अगर अपन ने इसको क्यू चार्ज दे दिया, अगर अपन ने इसको क्यू चार्ज, अगर अपन ने इसको क्यू चार्ज दे दिया, ये R1 है और ये R1 है और ये, कोई बुरे वाली बात तो ये क्यू चार्ज है, ये R2 है और ये R1 है, पक्की बात? अच्छा ठीक। अगर क्यू चार्ज दे दूं और मैं इसमें 3 पॉइंट लूं, ए बी और सी, ए वो जो कैविटी के अंदर है, बी जो कैविटी से बाहर है पर मटेरियल के अंदर है, और सी बिल्कुल बाहर, ऐसे 3 हमने पॉइंट लिए। क्लियर? हमारे टारगेट है सिंपली कि हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी लिखें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी लिखें। कोई भी जनरल दूरी को हम छोटे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? और हम उनसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एट ए क्या है, पोटेंशियल एट बी क्या है और पोटेंशियल एट सी क्या है। मान लो इन तीनों सवालों का उत्तर मैं आपसे पूछूं कि आप लिख पाओगे? लिखो, पहली बात बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, सिंपल सवाल है। क्यों चार्ज देते हैं तो कहां मिलता है? इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, सोच लो, इनर आउटर, आउटर सरफेस पे मिलता है। आप सोचो, अगर बेसिकली अब हमें क्या मतलब, मास कहां पे है और मास कहां पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो तो एक हॉलो स्फीयर बन गया ऑफ रेडियस R1 R2, इट्स अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, एक ए और बी दोनों अंदर है बाहर है, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफ्यूज होने की जरूरत? एंड फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल एक्ट एज अ, पक्की बात? तो के क्यू बाई ए पे पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल, पहले तो अंदर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हुई? अरे कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अरे तो हॉल स्फीयर बन गया ना, कितने रेडियस का, कितने रेडियस का? R2 रेडियस का बन गया ना, बना कि नहीं बना? पहले तो R2 रेडियस का बन गया, उसमें कोई शक वाली बात? तो R2 रेडियस अगर बन गया और ये अपना R1 है और ये ए बी और ये सी, ये ए बी और ये सी, पक्की बात? अब सोचो तो ये ई बी ई सी के क्यू बार स्क्वायर, पोटेंशियल एट ए कितना? के क्यू बाई, पक्की बात? बी के क्यू बाई, कोई बुरे वाली बात? पोटेंशियल एट सी, इसके लिए 1% परेशान होने की जरूरत? लो आ गया, बुलाया कि नहीं आया? सिंपल, मतलब अगर मैं कंडक्टर को चार्ज दूं तो अगर कहीं पे भी अंदर बाहर कहीं पे भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं मुझे कोई कष्ट? लो भाई हो गया, ठीक है। चलो भाई और देखते हैं, मान लो मैं ऐसे एक और सवाल लेता हूं, मान लो मैं ऐसा एक और सवाल लेता हूं, ये अपना R1 रेडियस लेता हूं और ये अपना R2 रेडियस लेता हूं, ये अपना R1 रेडियस और ये अपना R2 रेडियस, क्या मेरी बात क्लियर है? ये अपना R1 रेडियस, ये अपना R2 रेडियस, ठीक है, ये अपना R1 रेडियस और ये अपना R2 रेडियस। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब देखो ध्यान से, अब सोचो कि अब मैं कोई ऐसे हॉलो स्फीयर है, पर अब मैं क्या करूं कि क्यू चार्ज, अब मैं क्यू चार्ज, अब मैं क्यू चार्ज रियलिटी में सेंटर पे रख दूं, इसको कोई चार्ज नहीं दिया, इसको कोई चार्ज नहीं दिया,
जो कोई चार्ज नहीं दिया, हमने क्या करा? बोलो क्लियर है एकदम? सोच लो फिर से वही छह चीज ए बी सी ट्राई करो। इस सवाल को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि अच्छा सवाल है ना। तूने कुछ आंसर सही निकाले जहां तक मुझे लगता है, गुड। अच्छे समझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं इसको। पहली बात, चार्ज क्यों अंदर रखने से क्या हुआ? हमने कंडक्टर को चार्ज तो दिया नहीं, कंडक्टर को चार्ज देते तो क्या पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे आता? पूरा चार्ज बोला आता कि नहीं आता? तो कंप्लीट चार्ज आउटर सरफेस पे आता, बट इन रियलिटी आउटर सरफेस पे यहां पे चार्ज कंडक्टर को थोड़ी दिया, कहां दिया? अच्छा कौन सा पॉइंट पे पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? बी पे। ए पर जीरो ये जरूरी? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पक्का जीरो होती है जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट हो। कंडक्टिंग मटेरियल कहां पर है? ए पर, बी पर, सी पर? क्या जहां मटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात। अभय एब्सेंट है क्या? जय रहा, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे चार्जेस रीअरेंज करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता, जो मैं बोला चमका। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब देखते हैं। अच्छा भाई बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब मैंने क्या सोचा कि अच्छा अगर ऐसा है तो सोचो, मान लो मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करूं, गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड, ध्यान से सुनना सवाल को, आगे सभी सवालों के आंसर आप खुद दे दोगे। जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस, जस्ट आउटसाइड इनर सरफेस, तो ये जो गॉसियन सरफेस है मटेरियल में है कि नहीं है? मटेरियल में है कि नहीं? अगर मटेरियल में है तो हर जगह ई जीरो है, एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि भैया मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्जेस अरेंज होंगे, और तब तक अरेंज होंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह, दिस इंप्लाइज फ्लक्स इक्वल्स टू जीरो, बट दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट क्यू इन इक्वल्स टू जीरो। बट हमें तो क्यू दिखाई दे रहा है, बट हमें तो क्यू, इसका मतलब कहीं माइनस क्यू भी है। अरे यार, अब माइनस क्यू कहां इंड्यूस सकता है? इनर सरफेस पर, बाकी तो हवा है। अरे यार, यार तुम्हें नहीं आया। इट मीन्स माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन दिस इनर सरफेस, इट मीन्स माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन दिस, यार तुम्हें नहीं आया। अच्छा जो कंडक्टर है उस पर चार्ज कितना है? कंडक्टर पे कितना चार्ज? कंडक्टर पे थोड़ी चार्ज है, कंडक्टर के अंदर रखा है चार्ज तो। यार हाँ ना वो, तो कंडक्टर पे तो चार्ज जीरो है, तो अगर कंडक्टर की इनर सरफेस पे माइनस आया तो बीच में कहीं प्लस नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में प्लस आ जाएगा तो क्यू इन आ जाएगा, क्यू इन आ जाएगा तो फ्लक्स जीरो नहीं हो। अरे यार यहां से लेकर यहां तक तो सब जगह जीरो होना चाहिए ना। यार तुम्हें नहीं आया, मतलब ये माइनस का जो दूसरा पार्ट है प्लस, वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? इट विल गो टू आउटर सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? क्या है? वंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ध्यान से देखो, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट चार्ज, अ स्फीयर विद माइनस क्यू रेडियस आर वन एंड अ स्फीयर विद प्लस क्यू ऑफ रेडियस आर टू। अरे यार, क्योंकि रियलिटी में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन चार्जेस, ओनली डिपेंड्स ऑन चार्जेस। क्या मैं मान सकता हूं ये सिस्टम दो होलोस्फीयर और एक पॉइंट चार्ज का बना हुआ है? एक होलोस्फीयर जिसका रेडियस माइनस, सॉरी आर वन है, चार्ज माइनस क्यू है, एक होलोस्फीयर जिसका रेडियस चार्ज और एक पॉइंट चार्ज। बोलिए यस और नो, बिल्कुल बेसिक से लिखाता हूं, पहली बार है इसलिए, वरना आप हमेशा लिखोगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी कैन बी रिटर्न, नेट जो लिखा जाएगा वो असलियत में तीन चीजों का समेशन है,
ड्यू टू क्यू, ड्यू टू एस वन एंड ड्यू टू एस टू. अरे भैया हाँ ना बोल. एंड दिस इज नेट, दिस इज, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया. अरे आया कि नहीं आया? प्राण प्रखेरू, प्राण प्रखेरू. पहले मैं ध्यान से लिख रहा हूं, फिर आप पूरी टेबल खुद भरोगे बिना देखे. ध्यान सुन ले अच्छे से, अपने आप से तेरे को फील आ जाएगी. ये तो पहली बार इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, बाकी तो डायरेक्ट लिखना आना खैटी. ए पॉइंट पर क्यू की वाइस इलेक्ट्रिक फील के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई नहीं आया. एस वन की वजह से, एस वन की वजह से, एस वन की वजह से. अरे एस वन तो होलो स्क्वायर है, जिसके अंदर है बाहर है पॉइंट, अंदर है बाहर है. ओहो तो जीरो. एस टू, एस टू मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील के क्यू बाई आर स्क्वायर. अरे हाँ ना बोले यार. इसलिए मैंने कभी ये नहीं लिखाया आपको, मैं ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखाया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वेयर कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट. कई बार कहता हूं लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द मेट, इनसाइड से बच्चा ये और भी दोनों पे जीरो सोचता है. इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का वहां जीरो है जहां पर क्या प्रेजेंट है, वरना तो ए पॉइंट भी अंदर है. अरे हाँ ना बोले यार. और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ये जरूरी मे और मे नॉट बी, पहले था जो मैं बोला चमका. चलो भाई बी पर देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू. सब लोग बोलो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, के क्यू बाई ड्यू टू एस वन. क्या फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर. एस टू, एस टू, एस टू, एस टू, सोच लो. हाँ ना बोल. एस टू पक्का. नेट कितना? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल पक्की बात. चलो ईसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर नेट के क्यू बाई आर स्क्वायर. फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल एक्ट एज अ, फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल एक्ट एज अ. परेशानी वाली कोई बात नहीं है. ए पर पोटेंशियल क्यू की वजह से, जल्दी बोलो के क्यू बाई पक्की बात. एस वन की वजह से कैट्स इनसाइड पॉइंट ऑफ अ होलो स्फीयर, साइड पॉइंट ऑफ, गलत तो नहीं बोला. क्या लिखा? माइनस के क्यू बाई आर वन, के क्यू बाई आर टू, कुल मिला के क्यू वन बाई आर प्लस वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन. अरे हाँ ना बोल. प्राण प्रखेरू, सोच लो. पोटेंशियल एट बी के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर टू. क्या कॉन्स्टेंट आवे? कुल मिला के कॉन्स्टेंट आया, जो कि आना चाहिए था क्योंकि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल शुड बी कॉन्स्टेंट. यस और नो? मुझे लगा तो मैं आया. आया नहीं आया? चलो भैया पॉइंट सी पे के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर. नहीं आया, नहीं आया. कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी, समझ आया कि नहीं आया? जब भी कनेडियन ऑडियंस चार्ज करते हैं तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. क्या करते हैं? फिर उसे होल स्क्वायर और पॉइंट चार्ज बन जाता है, फिर उसे करते हैं. पता जो बोला चमका? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. बिना देखे उतारना है टेबल, बना लो टेबल, फिर बिना देखे करना. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तुम्हें? अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी. ध्यान सुनना, चल लेक्चर अच्छा है पूरा, समझ सब आएगा. बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल ढंग से पढ़ाऊंगा एकदम, है ना? अच्छे से बोलो, क्लियर है एकदम? yes, एकदम पक्का? yes, अब सोचो, अगर आपको बात क्लियर है तो आप इन बातों का और आंसर दे पाओगे. मान लो मैं दोनों काम करूं, मैं क्या करूं कि मेरा एक कोई अपना होलो स्फीयर लूं जिसका इनर रेडियस कुछ डेटा वेटा ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा. देख ध्यान से, ठीक. मान लो कि इनर रेडियस है आर वन, कितना है R1. और ये आउटर रेडियस कितना है? R1. बोलो क्लियर एकदम? ये आर वन की जगह ये आर ले लो और ये टू आर ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा. अब हम क्या करें कि इसके सेंटर पे चार्ज रख दें माइनस क्यू, कितना रख दें? और इस कंडक्टर को चार्ज दे दें थ्री क्यू. बोलो क्लियर? अब खुद बताओ अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा.
इनर सरफेस पे कितना आएगा? प्लस क्यू। इस प्लस क्यू का माइनस क्यू कहाँ आएगा? पर बाहर पहले से कितना है? बच्चा कितना नहीं आया। अब सोचिए मैं इन छह में से कोई भी सवाल पूछूं क्या तो लिख सकता है? लिख सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है ना। बस तो लिख दे, कोई भी एक आध चीज पूछ लेता हूँ। ए बी सी दो तीन चीज पूछ लेना, सब लोग बताओ। सी तो आसान रहता है। आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, आप लिखो पोटेंशियल एट बी, आप लिखो पोटेंशियल एट ए। ये तीन चीज लिख दो अगर मेरी बात समझ में आई है तो। अगर लिख दोगे सही तो मुझे लग जाएगा हाथ में क्लैरिटी। सब लोग बोलो। ई ए, पहली बात क्या यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे टू क्यू, यही सिचुएशन है? ये प्लस क्यू और ये, अरे पक्की बात, फाइनली यही सिचुएशन हुई। अब देखो ए पॉइंट पे ध्यान देखो तो माइनस क्यू क्यू ऐसे माइनस के क्यू बाई आर प्लस जीरो प्लस जीरो। बोलिए सुन लो, पोटेंशियल एट बी पे अगर बात करें तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस टू के क्यू बाई टू आर। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया। पोटेंशियल एट ए पे लिखा जाएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस टू के क्यू बाई टू आर। तुमसे नहीं हुआ? अरे तुमसे नहीं हुआ? प्राण पखेरू, प्राण पखेरू, सोच लो। हाँ ना बोल, पक्का गारंटीड, सोच लो। कितने लोगों का सही है? शुड आई टेक मोर और समझ आ गया है? आ गया पक्का, क्योंकि हमने सीक्वेंस में पढ़ा। मतलब आप कंडक्टर में अंदर रखो बाहर रखो, मुझे पोटेंशियल एट्रिफी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लैरिटी है? मैं आपसे छोटी छोटी बातें इसमें और पूछता हूँ। जैसे मान लो अगर थोड़ी सी ध्यान देते हैं एक्चुअली कैविटीज पे, किस पे थोड़ा इसको समझे कि अस्तित्व में होता क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको इस पूरे खेल में ये समझ आएगा कि ये R1, ये R2, ठीक। अगर मैं यहां पे कोई भी चार्ज Q रखता हूं तो यहां पे माइनस Q आता है। बोलो क्लियर? मान लो Q1, ये Q1, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसको Q2 देता हूं तो बाहर कितना आता है? Q1 प्लस Q2। बोलिए सॉर्ट ऑफ That is what happens. अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखूं या कोई पॉइंट लूं, इस पॉइंट पर रियलिटी में सोचो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? अपन कंफ्यूज नहीं होता है, अपन इसे क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अरे हाँ ना बोल, पक्की बात। ऐसा समझो कि इसे मैं मान लू क्यू इनसाइड, तो ये भी और ये क्यू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? के क्यू आउटसाइड बाई ये बाई आर स्क्वायर। यस ऑर नो? सो दिस पॉइंट इज इफेक्टेड बाय व्हाट, आउटसाइड और इनसाइड? असलियत में इस पॉइंट पर इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का कोई फर्क? तो उल्टा भी तो सही है कि अगर मैं कोई चार्ज यहां रखूं तो इस पर फर्क पड़ेगा कि इन दोनों? इस पे कोई फर्क? इसका मतलब कोई चार्ज यहां रखने का क्या मतलब है? क्या हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी? यार हाँ ना बोल, इट मींस इफ वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस सिस्टम विथ चार्ज विल इफेक्ट, इस पे कोई फर्क? अरे यार इस पे कोई फर्क? ये तो हाँ, तो चमत्कारी बात है। इसका मतलब इस पे रखा गया चार्ज क्या हर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ है? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं? मान लो आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? या उसकी रीडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो जाती है।
सोच पूरी दुनिया में बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मोबाइल फील्ड अरे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट ही है कि नहीं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में रख दो तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे उसे इफेक्ट नहीं करना है तो क्या मुझे उसे कंडक्टिंग शेल में रख देना चाहिए? क्योंकि कंडक्टिंग शेल में रख दूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेंसिटिव होते हैं दे आर कैप्ड इनटू कंडक्टिंग कैविटीज, दे आर कैप्ड इनटू, क्योंकि कंडक्टिंग कैविटी एक्ट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक्ट एज अ, बिकॉज इफ यू प्लेस एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अ कंडक्टिंग कैविटी इट इज अनअफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अनअफेक्टेड बाय। तुझे मेरी बात चमकी नहीं? अरे आई कि नहीं आई? मैं और आपको थोड़ी फील कराता हूं रियलिटी में। इसे यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं, हालांकि ये बहुत तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट इसे अपन समझे सीक्वेंस में, कि अगर कि मान लो कि कोई भी कंडक्टर है कोई भी शेप का और उसके अंदर कोई भी कैविटी है, कोई भी कैविटी है और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्या रखा हुआ है क्यू, तो यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, माइनस इंड्यूस हो गया। असलियत में ये माइनस और माइनस इस तरीके से इंड्यूस होता है कि माइनस क्यू ये मानता है कि दुनिया में इस इनर सरफेस के बाहर हर जगह कंडक्टर है। ध्यान सुनना, ये माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन इस आउटर सरफेस कैसी है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, असलियत में, किसमें, असलियत में ये माइनस क्यू ऐसे इंड्यूस होता है यह मानकर कि इस इनर सरफेस के बाहर दुनिया में हर जगह, तो ये ऐसे अरेंज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू यानी कि चार्ज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस एंड द चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन द प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी एवरीवेयर आउटसाइड द इनर सरफेस इज जीरो। तुझे मेरी बात नहीं चमकी? इन दोनों की वजह से इस इनर सरफेस के दुनिया के हर बाहरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, होती, देख बी और सी पे, अरे यार होती है ना। हम इसे थोड़ा सा और एनलार्ज कर रहा हूं, कैसी भी शेप हो कुछ भी हो, असलियत में इसे कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। क्या कहते हैं? दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट दिस गिव्स यू अ फील कि अच्छा हो क्या रियलिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज दैट कि इनर सरफेस पर जब हम किसी कंडक्टिंग कैविटी में चार्ज रखते हैं तो इनर सरफेस में ऐसे चार्ज इंड्यूस होता है कि उस चार्ज की वजह से और इनर चार्ज की वजह से इस इनर सरफेस के बाहर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। अरे यार होती ही नहीं। होती ही नहीं। होती ही नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट, क्या मेरी बात क्लियर? अच्छा, इससे हम ये समझे कि अगर हम कंडक्टर के बाहर कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर इन दोनों का कोई इफेक्ट, तो उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही। अगर मैं कोई बाहर चार्ज रखूंगा तो उस पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो उसका इफेक्ट भी इन दोनों पे नहीं होगा। और ऐसा होता है, इसका मतलब पॉइंट चार्ज जो अंदर रखा जाता है या इंस्ट्रूमेंट जो अंदर रखा जाता है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ होता है एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ध्यान से मान लो कि हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ई एक्सटर्नल, क्लियर, ये क्यू इन और ये क्यू आउट। ध्यान से देखो तो पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी है, ये पक्का जीरो है क्योंकि तो मेटेरियल है, क्योंकि ये तो अब समझना। पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी चार कारणों से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इनसाइड,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल। अरे यार नहीं आई, ये सच्चाई है। पर इसमें ये भी सच्चाई है कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से। अरे यार अब ये भी समझाया, अगर इन दोनों की वजह से जीरो है तो इन दोनों की वजह से भी, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर, क्या आने पर, आउटर चार्ज अपने आप को ऐसे अरेंज करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एवरीवेयर आउटसाइड सरफेस से जीरो होती है, एक्सटर्नल प्लस ई आउटसाइड। असलियत में बाउंड्री जो होती है, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये इस दुनिया को अलग कर देता है और उस दुनिया को, बाहर वाला बाहर वाली को इफेक्ट करेगा और अंदर वाला अंदर वाली। अरे हाँ ना बोलिया, बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा और अंदर वाला, आपस में कोई रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं होती, तुझे मेरी बात चमकी नहीं, अलग कर देता दुनिया, अलग कर देता कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया को अलग कर देता, बाहर का बाहर और अंदर का। फिर से समझते क्या क्या हुआ। अंदर इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होता, अभी लिखा हुआ सब टेंशन मत लो, अच्छे से पहले समझ लो अच्छे से, कि अंदर इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होता है कि अंदर के चार्ज और अंदर जो अंदर इंड्यूस चार्ज और अंदर जो चार्ज रखा उनकी वजह से इनर सरफेस के बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बोलो क्लियर है। ऐसे ही जब अगर जीरो होती है, इसका मतलब इनका बाहर कोई इफेक्ट इसका मतलब बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उनपे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर जो सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जो सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कौन सा चार्ज रीअरेंज होता है? आउटसाइड सरफेस का। और इस तरीके से रीअरेंज होता है कि आउटसाइड चार्ज की वजह से और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, नहीं आया। इन दोनों की वजह से इस सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से इस इनर सरफेस के बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट है पहली बात। और इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी आ गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। फिर लगता है जो मैं बोला कुछ कुछ चमका। अरे हाँ ना बोल, पहले डायग्राम बना ले फिर मैं आपको सारी कहानी लिखाता हूं, खुद लिखाऊंगा टेंशन ना लें। उतार लिया तो कहानी लिखाऊं, पक्की बात लिखो। चार्जेस ऑन द इनर सरफेस इंड्यूसेस इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ड्यू टू चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस प्लस चार्जेस प्लेस्ड inside the cavity charges placed inside the cavity everywhere outside the inner surface of the conductor is zero। बोलो क्लियर है एकदम? Yes. पक्की बात सोच लो। Yes. पूर्ण विराम, पैरा चेंज। इट मीन्स
इफ वी प्लेस अ चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर, इफ वी प्लेस अ चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर, it will be unaffected by क्या बोला मैं अनअफेक्टेड बाय ई ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस प्लस अनअफेक्टेड बाय ई ड्यू टू इनर इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द कैविटी फुल स्टॉप. इट इज ओनली अफेक्टेड बाय चार्जेस ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर. It is only affected by charges outside on the outside surface of the conductor. Or we can say vice versa is also true. Means any charge or external electric field, does not affect induced charge on inner surface plus charges placed inside does not affect minus qi and plus qi. बोलो क्लियर है. फुल स्टॉप. दिस फिनोमिनन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दिस फिनोमिनन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. बोलो क्लियर है एकदम पक्का. दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. This phenomenon is known as electrostatic shielding. बोलो क्लियर है. अरे पक्का. Yes. सोच लो. इसी के नीचे लिखो. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स सेंसिटिव टूवर्ड्स external electric field, all the instruments sensitive towards electric field are kept into conducting cavities
conducting cavities so that they will be unaffected by external electric field. So that they will be unaffected by external electric field. Poon viram para change. Next likhe. On applying external electric field, charges on the outer surface arrange themselves in such a fashion, that net electric field due to EO मतलब E outside plus E external everywhere inside the outer surface of the conductor is zero. एक मिनट दे रहा हूं, ध्यान से देखो, जो अभी पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया, जरा सा डाउट है पूछो. चलो भाई, बहुत बढ़िया. अब देख, इसमें कुछ कुछ बातें और करते हैं. कैसे, मैं आपसे पूछता हूं, जेई ने एक बार क्या करा, थोड़ा सा ऐसे पूछ रहा हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे. जेई ने एक बार क्या करा कि उन्होंने बोला कि हमने कंडक्टिंग कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया ऐसी, ठीक है, ठीक है. अब ध्यान दो कि उन्होंने बोला कि चार्ज रख दिया, पर चार्ज हमने सिमेट्रिकली नहीं रखा, यहां रख दिया. क्यों? सिमेट्रिकली यहां रख दिया. बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने चार डायग्राम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के. किसके? चार डायग्राम दिए थे और ऑप्शन में से बताना था कौन सा सही है और कौन सा. मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, बनाओ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम होगा. चार ऑप्शन दे दूंगा तो सब लोग सही कर दोगे. ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन. जो दो ऑप्शन, चार में से दो ऑप्शन थे, उसमें तो लाइंस बीच में भी दिखा रखी थी, तो पक्का गलत है. yes, यार हाँ ना बोल. yes, जो दो में अंतर था वो क्या था मैं बता रहा हूं. लाइंस कुछ इस प्रकार की होंगी, ध्यान से देख. आप लोगों ने कुछ ने क्या गलती करी होगी वो मैं आपको बताता हूं. ये वाली लाइंस अंदर वाली स्ट्रेट होंगी कि टेढ़ी होंगी? दे विल टर्मिनेट परपेंडिकुलरली. अगर आप स्ट्रेट ले लोगे तो परपेंडिकुलरली टर्मिनेट. तो एक ऑप्शन में सीधी थी और एक में ऐसी थी. यार हाँ ना बोल. और दो में डायग्राम में यहां पे भी लाइंस थी, वो तो वैसे ही गलत थे.
अरे हाँ ना बोल यार, ये ऐसी क्यों गई पहले उतना? तो लाइन शुड टर्मिनेट परपेंडिकुलर, लाइन शुड टर्मिनेट, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, तो सीधी सीधी नहीं थी। सीधी सीधी तब होती जब क्या चार्ज बिल्कुल बीच में रखा होता, जब ये चार्ज बिल्कुल, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो रियलिटी में इस प्रकार का डायग्राम था, रियलिटी में इस प्रकार का डायग्राम। अच्छा मैं आपसे कुछ कुछ चीजें और पूछता हूं, जैसे लॉजिकली समझ आ जाएगा तुम्हें। एक स्फीयर है मस्त, उसमें एक और स्फीयर है मस्त, सेंटर पे चार्ज रख दिया Q, अंदर कितना चार्ज आया? बिल्कुल सही। पर ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नॉन यूनिफॉर्मली? पक्की बात? Yes, सोच लो। Yes, और बाहर वाला क्यों? Yes, पक्की बात? Yes, सोच लो। Yes, थोड़ा सा बदलाव लाता है। चार्ज क्यों यहां रखा? अंदर कितना इंड्यूस हुआ? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि इन दोनों की वजह से बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी, अगर अंदर यूनिफॉर्म ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से होगा, अरे यार, कि यहां का जो माइनस क्यू है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाहर का क्यू? बाहर का क्यू? बाहर का क्यू तो डायरेक्टली उससे चलता है सिग्मा डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/RC, सिग्मा डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/RC। अरे हां ना बोल यार, प्राण पखेरू नहीं आया ना तुम्हें? आया कि नहीं आया? आया। सोच लो। yes, तो ये वाला जो चार्ज है ये वाला कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्म। चलिए बाहर की दुनिया अलग चलती है, सिग्मा डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/RC चलती है। बोल यस और नो? yes, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब देख, मान लो मैं आड़ा तिरछा ले लू कोई भी और अंदर ऐसे क्यों रख दू और सेंटर पे रख दू, अंदर कैसा? बाहर? सोच लो। yes, पक्का? yes, बाहर आड़ा तिरछा, अंदर गोला, सेंटर पे नहीं रखा। अंदर? बाहर? सोच लो। yes, पक्का? yes, अंदर गोला, अंदर टेढ़ा मेढ़ा, चार्ज क्यू अंदर? सोच लो। yes, बाहर? पक्की बात? yes, हाँ ना बोल? yes, पक्का? yes, बाहर टेढ़ा मेढ़ा, अंदर भी टेढ़ा मेढ़ा, क्यों? yes, बाहर? yes, सोच लो। yes, सोच लो। yes, ऐसी चीजें कभी कभी पूछा जाती, क्या हो रहा है अंदर बाहर? अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। सब कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में है एकदम। चमका? yes, उतार। इस तरीके से रीअरेंज होगा। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, सोच तो इस क्यू की वजह से पास वाला पॉइंट हुआ तो बाहर की तरफ लगेगा, तो इसका इफेक्टिव चार्ज किधर आना चाहिए? पीछे। पर वो सेंटर की बजाय उसका इफेक्टिव चार्ज यहां पे शिफ्टेड होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो यहां माइनस है तो यहां प्लस क्यू, तो यहां माइनस 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 ज्यादा और यहां पे इस तरीके से लॉजिकल है कि नहीं? और रियलिटी में वो इस तरीके से अरेंज होता है कि बाहरी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। बहुत छोटी छोटी सी बातें और करते हैं, देखो ध्यान से। इधर सुने, बहुत छोटी छोटी सी बातें क्या करते हैं, देखो इधर। बताओ। जैसे मान लो, मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, कितना है? बोलो नहीं है। और इस पे चार्ज है 2q, कितना है? और यहां पे एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है 4r, कितना है? और इस पे चार्ज है q, कितना है? बोलो क्लियर।
इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है टू क्यू, कोई बात नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने इन दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? क्या इनमें चार्जेस का आदान प्रदान होगा? अगर हम दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दें या टच कर दें, क्या उनमें चार्जेस का आदान प्रदान होगा? जब तक कि चार्जेस सेम, चार्ज सेम ना हो, पोटेंशियल ना हो। इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है? ए क्यू बाई, इसका कितना है? 2KQ/4। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, मतलब कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस। जैसे जैसे चार्ज फ्लो करेगा इसका पोटेंशियल और इसका, तो चार्ज पोटेंशियल सेम होना जरूरी है कि पोटेंशियल? पोटेंशियल, बोलो क्लियर। तो चार्ज तब तक बहेगा फाइनली जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल बराबर, यही कॉन्सेप्ट है बस। सो इन व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। इन रियलिटी में कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा। अरे हाँ ना बोले यार, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, टिल द पोटेंशियल बिकम सेम। अब मान लो कि Q चार्ज फ्लो कर गया तो यहां बचा कितना? Q माइनस क्यू, और यहां कितना बचा? 2Q प्लस क्यू, बोल यस और नो? कब तक? जब तक ये पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो के क्यू क्यू माइनस बाई आर इक्वल्स टू के 2Q प्लस क्यू बाई 4R। के आर ने के आर को मार दिया, 4Q माइनस 4Q इक्वल्स टू 2Q प्लस क्यू, तो यानी कि Q इक्वल्स टू 2Q बाई 3। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इतना चार्ज 2Q/5। अरे हाँ ना बोल, तो इस पे फाइनल चार्ज हो गया 2Q/5 यानी कि 3Q/5। अरे हाँ ना तो बोल, और 2Q/12Q/5। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे सही कर रहा हूँ ना, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब ऐसे सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, व्हेन वी टच और देन द चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू टिल द पोटेंशियल बिकम्स, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिखो टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, और कॉन्सेप्ट लिखे और ये सवाल लिख लें। लिखो टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स लिखें, लिखें। व्हेन वी टच और कनेक्ट, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, व्हेन वी टच और कनेक्ट, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, देन व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स, देन पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम, टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम। वो उतार लो और ये सवाल कर दो, फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन द कंडक्टर। शर्म आ गई, फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस।
वैसे भी कर लो, उसमें क्या है, कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे आया नहीं आया? कोई खास बात नहीं, पर इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज लेंगे, छोटी छोटी बातें अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी का एक सब पार्ट आपने देखा हो तो आपके जो स्विचेस होते हैं, क्या होते हैं स्विचेस, जो प्लग लगाते हैं उसमें एक ये वायर होता है, ये वाला, ये हमेशा हर जगह हो ये जरूरी नहीं। दो वाला भी होता है, छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो सिर्फ दो ही चीज होती है, ये वाला नहीं होता, बड़े इंस्ट्रूमेंट होते तो तीसरा वाला होता है, जो दोनों छोटे वाले होते हैं उन्हें होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेल फीमेल, क्या बोलते हैं, और उसे बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, बेसिकली उससे वायर, उससे वायर, मेल फीमेल और न्यूट्रल, हंसो मत ऐसे ही बोलते हैं मेल फीमेल और, पर कौन होना जरूरी है, मेल और फीमेल, न्यूट्रल भी काम आता है, कैसे मैं बताता हूं। असलियत में कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके लोहे की जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी सर्दियों गर्मियों में कूलर, कूलर में कई बार करंट लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, कूलर में करंट वहां ना ग्रुप से लगता है ना, क्योंकि हम कैसी चीज है, कंडक्टर है, क्या है। अब बेसिकली आप करते क्या हो कि मान लो आप कूलर में किसी कारणवश चार्ज इकट्ठा हो गया, क्योंकि कूलर की बॉडी होती है लोहे की, उसमें कोई भी चार्ज अगर गलती से आके तो आउटर सर्फेस पे आता है, पर हम उस पर खड़े हुए और चप्पल नहीं पहन रखी भाई, और चप्पल तो चार्ज आप कंडक्टर वायर की तरह करोगे, वो कहां जाएगा, अब अर्थ में क्यों जाता है वो अभी समझाऊंगा, ऐसे जाता डर, तो जब वो जाता है ना तो बहुत अच्छी अनुभूति देता है, अरे है कि नहीं यार, तब आपको जीवन का बहुत आनंद आता है, अरे हाँ ना बोले यार, सोच लो पक्की बात है कि नहीं। मान लो किसी को कूलर में झटका लग रहा हो, कूलर चल रहा हो, कूलर पे हाथ रख देगा और उसमें झटका लगा, तो बताओ लोहे के डंडे से हाथ हटाओगे कि लकड़ी के? अबे स्विच बंद कर देना लोहे की डंडे से, कूलर का स्विच नहीं था क्या तुम्हारे घर पे? कॉमन सेंस जीरो है यार। खैर, अब बेसिकली ये जो तीसरा वायर होता है, क्या होता है तीसरा वायर, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रल, उसे बोलते हैं बेसिकली अर्थिंग, क्या बोलते हैं, बेसिकली अर्थ कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर है, अर्थ, अब अर्थ कंडक्टर होता है रियलिटी में। अब मान लो कि ऐसे आपका कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस आ रहा है, उस पर चार्ज प्लस क्यू है, कितना है, कितना है प्लस क्यू, मान लो उस पर चार्ज है, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, मान लो उस पर प्लस क्यू चार्ज है, उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस आर, बोलो क्लियर। अब हुआ क्या कि हमने इस कंडक्टर को मान लो अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किससे कर दिया, अर्थ, अर्थ भी कंडक्टर है। अब कॉन्सेप्ट तो वही है कि चार्ज तब तक बहेगा जब तक ये पोटेंशियल से, क्योंकि अर्थ कंडक्टर है तो दो कंडक्टर ही तो जोड़े मैंने, अरे यार मैंने तो कंडक्टर ही तो जोड़े, तो मान लो कि हमने इसे कनेक्ट करा, तो अब क्या हुआ, मान लो कि यहां से क्यू चार्ज फ्लो करा तो यहां कितना आ गया, क्यू कितना आ गया, यहां कितना बचा, क्यू माइनस, तो कुल मिलाकर फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, के क्यू माइनस क्यू बाई आर इक्वल टू के क्यू बाई आर ई, यस और नो? मुझे लगा तुम्हें आया, आया नहीं आया, अच्छा अब क्यू निकाल लेते हैं, के ने के को मार दिया, क्यू आर ई माइनस क्यू आर ई इक्वल टू क्यू आर, क्यू की वैल्यू क्यू आर ई अपॉन आर ई प्लस आर। अब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, यानी कि 64,000 मीटर, सॉरी, अरे हाँ ना बोले यार, वैसा जो बोला चमका, सोच लो नहीं आया, इतना मीटर है,
ये आर रियलिटी में इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, प्रैक्टिकल बात है। अब एक मीटर का भी गोला लो तो इतना बड़ा है और उसकी इसके सामने कोई औकात नहीं। तो प्रैक्टिकली आर ई इज ग्रेटर देन आर, सो व्हाट विल हैपन, क्या ये क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली क्यू? अरे यार दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इट मीन्स दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। पूरा का पूरा चार्ज कौन संभाल ही जाएगा, पर अर्थ के पोटेंशियल पे कोई खास फर्क नहीं, तो जीरो ही रहेगा साला। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया। तो अर्थ पूरा का पूरा उस चीज का चार्ज कहां संभालता है? इसलिए कूलर्स की अगर अर्थिंग हो रही हो, वो जो न्यूट्रल वायर है वो यही काम करता है, और से कनेक्टेड होता है। कहां से कनेक्टेड होता है? बिल्डिंग बनती तो पिट बना के गड्ढे खोद के वायर डालते हैं अंदर, आपने कभी देखा हो तो? अरे हाँ ना बोल यार, वो इसीलिए करते हैं कि कोई भी अगर वायर, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज अगर रह जाए तो कंडक्टर से उसको वायर को जोड़ के रखते हैं। अगर जोड़ के रखेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वहां जरूरत नहीं होती, चार्ज एक्युमुलेट हो भी जाए तो कोई खास बात नहीं है, इसलिए उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पे ऐसा करना जरूरी, वरना चार्ज रह जाएगा तो फिर आपको झटका लग सकता है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? Yes, यार हाँ ना बोल। Yes, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। एक बात तो ये हो गई, तो यानी कि अर्थ से कनेक्ट करने पर, किससे कनेक्ट करने पर, पहले बताओ इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये उसी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है अर्थिंग। अर्थिंग बेसिकली व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ कंडक्टर टू अ अर्थ, व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ इज अर्थिंग। और इसका नोटेशन जो है, ऐसे बार बार अर्थ नहीं बनाते, इसका नोटेशन होता है, इसको रोटेट ऐसे बनाया जाता है कि एक कंडक्टर है और उस पर दिस इज नोटेशन ऑफ व्हाट अर्थिंग, ये यही मतलब है, ऐसे बनाया जाते हैं बार बार अर्थ को रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स अर्थिंग। अर्थिंग मींस व्हाट? व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ अर्थ, व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ अर्थ, तो अर्थ क्या पूरा पूरा चार्ज ले लेती है? तो क्या हमें कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए कि जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडक्टर पर फाइनल चार्ज क्या होगा? क्या होगा? ये गलत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और अच्छे से समझे। फाइनल चार्ज जीरो हुआ या अर्थ ने उस पर ऐसे चार्ज अरेंज करा कि उसका पोटेंशियल जीरो हो गया? अर्थ एक ऐसा ढीठ कंडक्टर है जो जो भी उसके साथ जोड़ा जाए उसका पोटेंशियल क्या कर देता है? पर सर पोटेंशियल तो जीरो तभी होगा जब चार्ज जीरो होगा। करेक्ट है, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यार तुम्हें नहीं आया, जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं आपको सारी क्लैरिटी आएगी। सपोज आई गिव यू इलस्ट्रेशन कि ये कंडक्टर है आर रेडियस का, मस्त शानदार, उसको अर्थ कर रखा है और उससे डी दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? अब सोचो इस कंडक्टर का अर्थ की वजह से क्या जीरो होना चाहिए? पोटेंशियल की चार्ज, पर इसका पोटेंशियल दो कारणों से है, खुद की वजह से और क्या एक्सटर्नल की वजह से। तू भूल गया भाई, मान लो कि इस पे चार्ज आ गया क्यू डैश, ऐसे सवाल आता है फाइंड क्यू डैश, फाइंड आउट द चार्ज ऑफ द कंडक्टर व्हेन वी अर्थ इट। अरे यार हाँ ना बोल। तो क्यू डैश इस तरीके से अरेंज होगा कि नेट पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो, ड्यू टू क्यू डैश प्लस एक्सटर्नल। अब बता इस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल कितना है? ये अपन पहले कर चुके हैं, के क्यू बाई डी, कुछ याद है? भूल गया है, सेंटर पे निकाल लो, सेंटर पे निकाल लो तो इंड्यूस की वजह से कुछ भी नहीं, और जो सेंटर पे, अरे नहीं आया, और खुद की वजह से कितना है? के क्यू डैश बाई आर, के क्यू डैश बाई आर, ये दोनों मिला के किसके बराबर होने चाहिए? जीरो, क्योंकि आपने क्या कर रखी है? अर्थिंग। क्या कर रखी है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश? क्यू डैश की वैल्यू आई माइनस क्यू आर बाई डी। प्राण प्रखेरु। अर्थिंग मीन्स व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अर्थ, देन अर्थ अरेंजेस चार्ज ऑन द कंडक्टर इन सच अ वे दैट नेट पोटेंशियल। अर्थिंग मीन्स चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो, चार्ज में और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पहला था जो बोला चमका, क्या अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया है? क्या अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया है? तो पहले अर्थिंग हेडिंग डालो, जो लिखा रहा हूं लिखे, फिर ये लिखना। पहले लिखे अर्थिंग, देखो अर्थिंग मीन्स व्हेन वी कनेक्ट
when we connect a conductor to earth, when we connect a conductor to earth, अब ये illustration ये उतार लो, फिर बताता हूं कैसे उतारना है। ये उतार लो पहले, इधर जो लिखा हुआ है ये उतार लो, जो इधर लिखा हुआ है। लिख लिया ये? अब इस सवाल के डायग्राम बनाओ, लिखो फाइंड क्यू डैश और फिर इसे लिख डालो। हो गया? अरे हो गया, लिखो। अब लिखो, when we connect a conductor to earth Earth arranges charge on the conductor. Earth arranges charge on the conductor in such a fashion. Arranges charge on the conductor in such a fashion that net potential of the conductor, bracket में लिखो, potential due to itself plus potential due to outside, the external, potential due to itself plus potential due to external, is equals to zero. डल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है एकदम? पूर्ण विराम। अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल जीरो, चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो। बोलो क्लियर है? तेज तो नहीं लगा लेक्चर? याद रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, कल का भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना? इसी कुछ कुछ चीजें और है, पर वो सब सीक्वेंस में, कोई काम नहीं है, बस चैप्टर पढ़ते रहो, कल से चैप्टर खत्म होगा फिर काम दूंगा आपको एक साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? yes, sir.